Hello student, today we start with the new unit, that is the third unit, process controllers. Okay, in that process controller, today we see the block diagram of process control system, that is detailed explanation. Okay, so see, this is the diagram, block diagram of process control system. In this diagram, blocks are available, that is the reference input. Then this one is the error detector. After this is the amplifier, actuator, plant or process. And this is the sensor, that is measuring element, and amplifier. It is the actuating signal that we provide and output. And this portion will also called as the automatic controller. Okay, so see the detailed explanation. The first point is that process control system is regulating system in which output is variable, such as temperature, pressure, flow, liquid level. Okay, जो भी process control system है ये क्या रहती है, regulating system रहती है, in which output यहाँ पे क्या रहेगा, that is the variable output रहेगा, such as जैसे कि temperature है, okay, और pressure है, flow है, या फिर लिक्विड लेवल है एक्सेट्रा. ओके, देन सी द पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट पॉइंट इज ऑलरेडी कवर. देन सी द नेक्स्ट. एनी प्रोसेस कंट्रोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग एलिमेंट्स लाइक अ प्रोसेस और प्लांट, सेंसर और मेजरिंग एलिमेंट, एरर डिटेक्टर, ऑटोमेटिक कंट्रोलर, एक्चुएटर और कंट्रोल एलिमेंट. जो भी ये ब्लॉक डायग्राम में दिखाया है वही उन्होंने क्या दिए हैं, एलिमेंट्स दिए हैं, जैसे कि क्या है, प्रोसेस और प्लांट ये वाला. ओके, देन सेकंड इज द सेंसर, देन मेजरिंग सेंसर इज ऑल, इट इज़ फॉर मेजरिंग एलिमेंट, देन एरर डिटेक्टर, देन ऑटोमेटिक कंट्रोलर, ये जो पोर्शन है पूरा. आफ्टर दैट दैट इज द एक्चुएटर और also called as a control element. Okay, then after that we see the next point, process or plant. अभी हम लोग block wise explanation देखेंगे. जो अभी यहाँ पर जो process और plant का जो block है उसका explanation देखेंगे. देखो, process or plant, process can consist of complex phenomenon that relate to some मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस. ओके, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है और किसके रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस. ओके, इन सच प्रोसेस मेनी वेरिएबल्स कैन बी इन्वॉल्व. ये प्रोसेस में हम लोग जो है बहुत सारे वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. देन प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्लांट. प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लांट बोल सकते हैं. इट मे बी सिंगल वेरिएबल प्रोसेस इन विच सिंगल वेरिएबल इज कंट्रोल्ड. ये सिंगल वेरिएबल प्रोसेस भी रह सकती है जो कि सिंगल वेरिएबल क्या करती है, कंट्रोल्ड. एंड इट मेक अ मल्टी वेरिएबल प्रोसेस इन विच मेनी वेरिएबल्स कैन बी कंट्रोल्ड. मीन्स मल्टी वेरिएबल प्रोसेस भी रह सकती है जो कि मेनी वेरिएबल ये कंट्रोल करेगी. मीन्स ये जो प्रोसेस है दो वेरिएबल में रहती है, सिंगल वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल. ओके, ये हो गया आपका प्रोसेस और प्लांट का एक्सप्लेनेशन. देन आफ्टर दैट वी सी द नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज द सेंसर और मेजरिंग एलिमेंट. ओके, जो कि ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था, दिस इज द सेंसरिंग सेंसर और मेजरिंग एलिमेंट. सो सी द एक्सप्लेनेशन. सेंसर और मेजरिंग एलिमेंट्स इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट आउटपुट वेरिएबल इंटू अनादर सुटेबल वेरिएबल सच एज डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर और वोल्टेज. ओके, ये क्या करता है सेंसर और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरिंग एलिमेंट क्या करेगा, इट इज़ अ डिवाइस दैट वी कन्वर्ट, एक वेरिएबल जो है आउटपुट वेरिएबल कन्वर्ट करता है अनदर सुटेबल वेरिएबल में. उसका हम कंसिडर कर सकते हैं, एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट है या फिर प्रेशर है या फिर वोल्टेज है, दैट कैन बी यूज टू कंपेयर द आउटपुट टू द रेफरेंस इनपुट सिग्नल. ओके, ये जो हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं वो किसके लिए यूज़ होगा, जो भी रेफरेंस इनपुट सिग्नल है उसको हम लोग आउटपुट से कंपेयर करेंगे. जैसे कि देखो ये डायग्राम में दिया है, रेफरेंस इनपुट
ओके और जो भी आउटपुट है ये दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेंसर से. ओके देन आफ्टर दैट वी सी द नेक्स्ट पॉइंट. दिस एलिमेंट इज इन द फीडबैक पाथ ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम. ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है ये जो एलिमेंट है वो कहाँ पे लगा है, फीडबैक पाथ. ये हम क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज़ अ फीडबैक. ओके आफ्टर दैट वी सी द एरर डिटेक्टर. द एरर डिटेक्टर इज अ सब्सट्रैक्टिंग समिंग पॉइंट्स हुज आउटपुट इज एन एरर सिग्नल टू कंट्रोल कंट्रोलर फॉर अ कंपेरिजन एंड एक्शन. ये जो एरर डिटेक्टर है क्या है, इज अ सब्सट्रैक्टिंग समिंग पॉइंट है जो कि क्या करता है, हुज आउटपुट इज एन एरर सिग्नल. इसका जो आउटपुट क्या रहेगा, एरर सिग्नल रहेगा. और ये क्या करेगा, टू कंट्रोल और फॉर अ कंपेरिजन एंड एक्शन. ये किसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कंपेरिजन या फिर एक्शन के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये समिंग पॉइंट है. ओके ये हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, कंपेरिजन या फिर एक्शन के लिए हम ये यूज़ करेंगे. और इसका जो आउटपुट है आपका क्या आएगा, दैट इज़ द एरर एरर सिग्नल. ठीक है, इसका आउटपुट क्या रहेगा, एरर सिग्नल. देन आफ्टर दैट वी सी द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस. एरर डिटेक्टर कंपेयर्स द मेजर्ड सिग्नल कमिंग फ्रॉम द मेजरिंग एलिमेंट विद द रेफरेंस इनपुट. मीन्स जो भी एरर डिटेक्टर है वो क्या कंपेयर करेगा, जो रेफरेंस इनपुट से जो सिग्नल आ रहा है और सेंसर दैट इज मेजरिंग एलिमेंट से जो क्या आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, उन दोनों को क्या करेगा, कंपेयर करने का वो काम करेगा. ओके आफ्टर दैट वी सी द नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज द लास्ट ब्लॉक, सॉरी फोर्थ वन ब्लॉक, दैट इज द ऑटोमेटिक कंट्रोलर. ओके इन ऑटोमेटिक कंट्रोलर व्हाट विल हैपन, द कंट्रोलर डिटेक्ट्स द एक्चुएटिंग एरर सिग्नल. ये कंट्रोलर क्या करेगा, जो भी एक्चुएटिंग एरर सिग्नल है उसको डिटेक्ट करेगा, विच इज़ यूजुअली एट वेरी लो पावर लेवल एम्पलीफायर, इट इज टू अ सफिशियंटली हाई लेवल. ओके ये क्या रहेगा, वेरी लो पावर लेवल रहेगा और एम्पलीफायर क्या करेगा, इट टू सफिशियंटली हाई लेवल. ये एम्पलीफाई करके वो क्या करेगा, हाई लेवल में कन्वर्ट करेगा. ओके अभी ब्लॉक डायग्राम में देखो, आपका जो है ऑटोमेटिक कंट्रोलर ये पोर्शन है पूरा, ये क्या करेगा, कंट्रोलर डिटेक्ट्स द एक्चुएटिंग एरर सिग्नल. ये क्या करेगा, जो भी एक्चुएटिंग सिग्नल है उसको वो डिटेक्ट करने का काम करेगा, और विच इज़ यूजुअली वेरी लो पावर लेवल. जो क्या करेंगे, डिटेक्ट करने का जो सिग्नल है, ओके जो भी हम लोग सिग्नल डिटेक्ट कर रहे हैं वो क्या रहेगा, इट इज़ अ वेरी लो पावर लेवल रहेगा. बाद में ये एम्पलीफायर इसमें है तो वो क्या करेगा, इट इज़ सफिशियंटली हाई लेवल. ये क्या करेगा, जो भी लो सिग्नल है अपना उसको हाई लेवल में ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा. ओके देन आफ्टर दैट वी सी द पॉइंट्स, दैट इज इट इज़ यूज टू आफ्टर द एक्चुएटिंग एरर एरर सिग्नल बाय एम्पलीफाइंग एंड सम टाइम बाय डिफरेंशिएटिंग इंटेग्रेटिंग इट टू प्रोड्यूस अ बेटर कंट्रोल सिग्नल. देन सेट पॉइंट ऑफ कंट्रोलर मस्ट बी कन्वर्टेड टू द रेफरेंस इनपुट विद द सेम यूनिट्स एज द फीडबैक सिग्नल फ्रॉम द सेंसर. ओके सो सी ये जो एक्सप्लेनेशन है डायग्राम के ऊपर से देखेंगे क्या है, इट इज़ यूज टू आफ्टर द एक्चुएटिंग एरर सिग्नल बाय एम्पलीफायर. मीन्स ये एम्पलीफायर के बाद में जो है हम लोग एक्चुएटिंग एरर सिग्नल जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं, और इसके बाद में क्या करेंगे, सम टाइम बाय, इसके बाद में क्या होगा, इसमें डिफ्रेंशिएटिंग हो गया या फिर इंटीग्रेटिंग होगा, इट टू प्रोड्यूस अ बेटर कंट्रोल सिग्नल. ये किसके लिए करेंगे हम लोग, आपको क्या चाहिए, बेटर कंट्रोल सिग्नल चाहिए. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग या फिर इंटीग्रेटिंग करेंगे. ओके आफ्टर दैट सेट पॉइंट ऑफ द कंट्रोलर मस्ट बी कन्वर्टेड टू द रेफरेंस इनपुट. जो भी सेट पॉइंट रहेगा आपका ये वाला, ओके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको रेफरेंस इनपुट में,
with the sum units as the feedback signal from the sensor. ये किसके वजह से होगा? Because of the sum input हम provide करेंगे from the feedback, that is the sensor measuring element. Okay. After that we see the last block, that is the actuator or control element. What will happen? Actuator and control element. Actuator is a power device that produce an input to the plant according to the controller signal, so that the feedback signal will correspond to the reference input signal. Okay, actuator क्या है? It is a power device है जो कि क्या produce करेगा? Plant जो है अपना, जो भी process है उसको input produce करेगा according to the control signal. Control signal के according में वो input process को produce करेगा. So that क्या होगा उसके वजह से? जो भी feedback signal है will correspond to the reference input signal. उसके वजह से क्या होगा? जो भी अपना feedback signal है वो और reference input signal, वो उन दोनों को coordinate रहेंगे या फिर corresponds रहेंगे. Okay. The output of controller is fed to the actuator. जो भी output है controller का वो कहाँ पे जाएगा? Actuator को जाएगा. Such as pneumatic motor or valve, hydraulic motor or an electric motor. Okay, ये examples हैं जो कि output of the controller feed करेगा actuator को. Okay, the above process elements are explained in the best manner by considering a closed loop system. Means ये जो example है, ये above जो process है ये हम लोग क्लोज लूप सिस्टम करके भी कंसिडर कर सकते हैं. उसका एग्जाम्पल है एयर कंडीशनिंग सिस्टम. ओके, सो एक बार ब्लॉक डायग्राम के ऊपर से देख लेते हैं. क्या है? एक्चुएटर इज अ पावर डिवाइस दैट प्रोड्यूस एन इनपुट टू द प्लांट. क्या करेगा? ये जो प्लांट है अपना पूरा प्रोसेस है उसको वो क्या करेगा? इनपुट प्रोवाइड करेगा एक्चुएटर टू द प्लांट अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल सिग्नल. जो भी कंट्रोल सिग्नल है उसके बेसिस पे, सो दैट फीडबैक सिग्नल विल करस्पॉन्ड टू द रेफरेंस इनपुट सिग्नल. ओके, द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर इज फीड टू द एक्चुएटर. जो भी कंट्रोलर का आउटपुट है वो कहाँ पे जाएगा? फीड टू द एक्चुएटर को जाएगा. ओके, देन उसका एग्जाम्पल बताया वॉल्व है, हाइड्रोलिक मोटर है और इलेक्ट्रिक मोटर्स है. द अबाउट प्रोसेस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं क्लोज लूप सिस्टम, दैट इज़ द फीडबैक सिस्टम. उसका एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एयर कंट्रोलिंग सिस्टम. ओके, इस तरह ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम. ओके, थैंक यू.